हेलो गाइस, टेक ये वीक के कोने वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईक्यू 8 लेजेंड के बारे में। जब से दोस्तों आईक्यू 8 सीरीज चाइना में लॉन्च किया गया है, तभी से इंडिया में इसका काफी लोग वेट कर रहे हैं और अभी तक आईक्यू 8 सीरीज का इंडियन वेरियंट मल्टीपल सर्टिफिकेशन साइट को क्लियर भी कर चुका है। पिछले दिनों ही आईक्यू 8 लेजेंड का इंडियन वेरियंट गूगल प्ले कंसोल के ऊपर भी लिस्ट हुआ है, जहाँ से इसके काफी सारे इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आए हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, आईक्यू 8 प्रो को ही इंडिया में आईक्यू 8 लेजेंड के नाम से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें चेंज भी देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फोन में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, किस प्राइस पे इसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और इसे इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 9.2 mm का थिकनेस देखने को मिल जाएगा और 205 ग्राम इसका वेट होगा। तो फोन बल्की होने के साथ साथ काफी हैवी होगा और हो सकता है इंडिया में भी ये दो कलर में ही लॉन्च किया जाए। पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आएगा। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 3 कैमरा सेंसर, 1 LED फ्लैश लाइट होगी। फ्रेम मेटल का होगा और फ्रंट की तरफ इसमें ग्लास देखने को मिलेगा। 6.78 इंच की इसमें बड़ी सी कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि क्वाड HD प्लस रेजुलेशन को सपोर्ट करेगी, मतलब 2K रेजुलेशन का डिस्प्ले होगा। LTPO डिस्प्ले होगा। सैमसंग का लेटेस्ट E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 10 बिट्स कलर डेप्थ सपोर्ट के साथ आएगा। स्मूथनेस के लिए इसमें 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस फोन की स्क्रीन काफी स्मूथली रन करेगी। जब भी आप इससे गेमिंग करोगे तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा इसमें डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 1500 निट्स की ब्राइटनेस भी मिलेगी और HDR 10 प्लस भी सर्टिफाइड होगा। तो डिजाइन और लुक्स वाइज फोन डिसेंट होंगे, क्योंकि इस तरह का डिजाइन कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी। लेकिन स्पेक्स वाइज इसके डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। टॉप ऑफ द फ्लेक्सिबल लेवल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करें तो इसके रियर साइड 3 कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे। प्राइमरी सेंसर इसमें 50 MP के देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर होंगे और ये सोनी का IMX766 का सेंसर होगा। फ्लैगशिप सेंसर है और इसमें OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से इस फोन से काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। सेकेंडरी सेंसर इसमें 48 MP के देखने को मिलेंगे, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। और थर्ड सेंसर इसमें 16 MP के देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक टेलीफोटो लेंस होंगे और इसमें भी OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। फ्रंट की तरफ इसमें 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा फोन में काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। कैमरे में आपको अलग अलग तरह के कई सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में 30 FPS पे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और फ्रंट कैमरे में मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गाइस, इस फोन के बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की एक डिसेंट बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें 66 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि चाइना में आईक्यू 8 प्रो जब लॉन्च किया गया था तो उसमें 120 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिला था। उन लोगों को इतना ही कहूंगा कि जब आईक्यू 7 चाइना में लॉन्च किया गया था तो उसमें भी 120 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिला था, लेकिन जब वो इंडिया में आईक्यू 7 लेजेंड के नाम से लॉन्च किया गया तो उसमें भी 66 W की फास्ट चार्जिंग का ही सपोर्ट देखने को मिला था। और इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया गया है जिसमें कि हमें 120 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिला हो। तो मे बी इसमें भी आपको 66 W की ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिले। इसके अलावा इसमें 50 W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और 10 W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। फोन में टाइप सी पोर्ट, NFC, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, डुअल स्टीरियो स्पीकर, अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और सेंसर के बारे में बात करें तो सभी के सभी सेंसर भी इसमें देखने को मिलेंगे। 8GB 128GB, 8GB 256GB और 12GB 256GB के 3 वेरिएंट में इसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर ही आएगा, फन टच OS 12 के ऊपर रन करेगा। इसके अलावा इसमें IP68 का सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। चलिए गाइस, जब बात करते हैं इस फोन के सबसे मेन सेगमेंट परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 888 का चिपसेट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ये गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हुआ है। वहां से जो जानकारी निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग इसमें Qualcomm Snapdragon 888 का ही चिपसेट देखने को मिलेगा। मुझे पता है कुछ लोग इस चीज से काफी डिसअपॉइंट होने वाला है, क्योंकि आईक्यू 8 प्रो में 888 प्लस का चिपसेट दिया गया था। यह भी चिपसेट काफी पावरफुल चिपसेट है, फ्लैगशिप कैटेगरी का चिपसेट है, 2.8 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है, 5 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है। तो ये भी काफी एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब इस फोन में एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, हीटिंग का इश्यूज कम देखने को मिलेगा। गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे Adreno 660 GPU का इस्तेमाल किया गया,
है जो कि सभी तरह के गेमिंग आराम से हैंडल करके दे देगा, तो फोन में परफॉर्मेंस काफी तगड़ा मिलेगा। परफॉर्मेंस को लेकर मुझे नहीं लगता फोन में आपको कोई भी कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको LPDDR5 RAM UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसमें रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छी मिल जाएगी। तो गाइज कुछ ऐसे स्पेक्स के साथ iQOO 8 Legend को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में, तो प्राइस को लेकर अभी तक कोई भी लीक्स वगैरह बाहर निकल के नहीं आए, लेकिन इतना क्लियर कर देता हूँ iQOO 7 Legend से इसकी प्राइस काफी अधिक होगी, क्योंकि इसमें काफी कुछ iQOO 7 Legend से अपग्रेड देखने को मिलेगा। फ्लैगशिप कैमरा सेंसर होगा, कर्व्ड स्क्रीन होगी, इसके अलावा वायरलेस फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है इस फोन की जो प्राइस होगी इंडिया में अराउंड 50-55,000 के बीच रखी जाएगी, इससे कम तो मुझे नहीं लगता लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो लॉन्च डेट को लेकर अभी तक कुछ भी iQOO की तरफ से कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन मैंने कई सारे वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक किया और मोस्ट ऑफ द जो बड़े लीक्सटर हैं उनके तरफ से जो लीक्स सामने निकल के आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये फोन इसी मंथ में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई डेट्स बाहर निकल के नहीं आए हैं। जब iQOO की तरफ से इस फोन के लॉन्च डेट रिवील किए जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा, और हाँ इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।